गाइस वेलकम टू माय चैनल नेबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई ये मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा पॉन्डिचेरी T20 लीग का शार्क्स 11 वर्सेस बुल्स 11 के बीच 1.5 घंटे बाद। तो पिछला मैच तो अबैंडन्ड हो गया, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही इन रिव्यू चला गया तो पूरा अबैंडन्ड हो गया। आई थिंक ये वाला मैच भी अबैंडन्ड हो सकता है। ये नहीं पता चला कि अबैंडन्ड क्यों हुआ है, इसके बारे में कोई अभी पता नहीं चला ना। बैड वेदर था, आई थिंक हो रही होगी बारिश लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो बात करूँ भाई टीम मैं इसकी दे दूंगा, अगर मैच अबैंडन्ड होता है तो इन्वेस्टमेंट कम करना, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये ना हो कि आपकी मनी स्टक हो जाए। तो बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो, ये मेरा ग्रुप है एंड ये मेरा ग्रुप का आइकन। एंड भाइयों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप देख ही पा रहे होंगे, ये प्रीवियस मैचेस के कुछ एसएस हैं। तो मॉर्निंग से काफ़ी मैच मैं देख रहा हूँ, पहले मैंने तो लिमिटेड मैच कवर किए, फिर अबैंडन हो गया, तो उस कारण मैं यही बोलूँगा आई थिंक ये वाला मैच अबैंडन हो सकता है। अगर हुआ तो अपना लक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलते हैं आगे, बात करूँ विकेट कीपर की तो यहाँ से लूँगा एक टॉप का विकेट कीपर जिसका नाम है निपुण गायकवाद। टॉप ऑर्डर की बैटिंग भी आया था पिछले मैच में, इसने 48 रन मारे थे 48 रन में जिसमें कि 5 तो इसके चौके थे, बहुत बड़ी बात है भाइयों। और बात करूँ प्लेयर काफ़ी अच्छा है, विकेट कीपिंग से भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न करके दे सकते हैं एंड प्लेयर एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने नोटिस किया कि अगर कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन इसका अगर विकेट कीपर ओपनर आ रहा है देन वो कुछ खास कर सकता है, आई थिंक ये वन डाउन भी आ सकता है। बात करूँ बैट्समैन की तो यहाँ से लूँगा एक टॉप का प्लेयर जिसका नाम टी सरगुनाम। अब आप सोच रहे होंगे 17 पॉइंट इसने पिछले मैच में दिए, ठीक है मैं इस बात से सहमत हूँ, 9.5 क्रेडिट का ये प्लेयर है लेकिन इसकी सिलेक्शन 91% कैसे? भाइयों ऑप्शन ही नहीं है, मैं पूरा चेक कर चुका हूँ, इतने प्लेयर्स के ऊपर मैंने स्टेटस सर्च किया है, कईयों के बारे में स्टेटस भी नहीं आ रहा। तो जिनका स्टेटस निकला है वो भी इनकी स्ट्राइक रेट बहुत ही डाउन है, मतलब मैंने बैट्समैन पहले देखे हैं जो कि ये इस लीग में शार्क्स 11 एंड बुल्स 11 ये जो टीमें हैं इनकी स्ट्राइक रेट जितनी प्लेयर्स की है बहुत डाउन है। इकॉनमी रेट अच्छा है, मतलब बॉलिंग इनकी अच्छी है, इकॉनमी रेट हाई आ रहा है, स्ट्राइक रेट डाउन आ रही है इनकी। कि आगे से बात करूं के अरविंद की, के अरविंद ने अभी तक आप देख सकते हैं एक मैचेस खेला है, 11 नवंबर के मैच में नहीं था एंड प्रीवियस मैच में 5 रन पर आउट हो गया था जिसमें कि एक चौका था। मेरे को अरविंद से भरोसा बहुत था लेकिन बहुत जल्दी उड़ा क्योंकि बॉलिंग पिच होने के कारण विकेट जल्दी गिरी हैं। और एल विग्नेश की बात करूं, एल विग्नेश भले ही प्रीवियस मैच में माइनस करवा गया हो लेकिन ये प्लेयर ही है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों नहीं खुलवाया पिछले मैच में इसको खिलवाते तो कुछ आई थिंक थोड़े जीतने के चांस होते, क्योंकि विग्नेश का मैंने जो पढ़ा है स्टेटस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्लेयर को खिलवाओगे नहीं तो भाई इससे हम कुछ नहीं कर सकते। बात करूँ ऑलराउंडर की तो ए गणेश अपनी टीम से ओपनिंग करता है, प्रीवियस मैच में काफ़ी जनता का कैप्टन और वाइस कैप्टन था लेकिन ज़्यादातर वाइस कैप्टन था। 42 रन इसने मारे थे, विकेट एक भी नहीं पॉक की लेकिन 2 छक्के और 4 चौके भी लगाए, प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा एंड कैप्टनशिप के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सुरेश कुमार ने नहीं चलना 24 पॉइंट, एक्चुअली यार मैंने इसको पहली बार देखा 4 ओवर बंदे ने बॉलिंग भी डाली, 4 ओवर के बाद भी इसके अंदर विकेट नहीं आती, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा। आज के मैच में कुछ कर सकता है क्योंकि अगर 2 बार से एक बंदा फ्लॉप जा रहा हो आई थिंक वो आज जीएल के लिए अच्छा होगा। अगर आप जीएल की 11 टीम्स बनाते हैं या फिर आप जीएल खेलते हैं देन आप ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो क्योंकि सुरेश कुमार फॉर्म में दिख सकता है लेकिन कौन से मैच में दिखेगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आगे से बात करूं यहां से लूंगा एक और प्लेयर का नाम एस परमेश्वरन जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वाइस कैप्टन के लिए अच्छी पिक है, बॉलर है एक तरह भाई, वैसे ऑलराउंडर है लेकिन बॉलिंग पिच पे जाओ आप, बैटिंग पे ध्यान मत दो, लग गई हाफ सेंचुरी वो इनके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि एक ही एक आधा प्लेयर चलेगा ऑल ओवर, ज़्यादातर तो प्लेयर्स नहीं चलेंगे। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है भाइयों वी मरिमुथमु जो कि आपको बताना चाहूँगा पिछले मैच में क्या हुआ था। मेन बात ये जो आप देख सकते हैं इसने 18 रन + 1 विकेट ली थी क्योंकि इसका मैंने स्टेटस चेक किया है सबसे बढ़िया स्टेटस है ऑलराउंडर में, सिलेक्शन भी कम है, उठा लो भाई आज के मैच में इस प्लेयर का। आगे से बात करूं जे एस जसवंत की, एस जसवंत इज द मोस्ट कॉमन प्लेयर, प्रीवियस मैचेस में ये कॉमन नहीं था ये काफ़ी रेयर था, आज के मैच में भी ये कॉमन है, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप 4 मेंबर खेलते हो क्या पता ये प्लेयर आपको ओपोनेंट की टीम में ना भी दिखे, क्या पता अगर आप 2 मेंबर खेलते हो क्या पता फिर भी दिख जाए। ये प्लेयर की सिलेक्शन ना ऑल ओवर डाउन ही है, मतलब 54% ज़्यादा हाई सिलेक्शन नहीं होती, नॉर्मल में आती है। तो बात करूँ बॉलर की तो यहाँ से लूँगा ए रजीव की बैटिंग बहुत पसंद आई मेरे को, मतलब प्रीवियस मैच में से 60 रन मारे, बॉलर है, अगर बॉलर 60-70 रन मार जाए दिल से खुशी होती यार, ज़बरदस्त प्लेयर। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर, ये है नॉर्मल सा प्लेयर जिसका नाम है एन विग्नेश शरम जो कि आपको बताना चाहूंगा 11 नवंबर के मैच में इसने 69 पॉइंट्स मारे थे तो अर्न किए थे एंड इसकी इकॉनमी रेट काफ़ी हाई आई है एंड इसने 2 विकेट्स भी पॉक की थी।
प्लेयर काफ़ी बढ़िया है। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर, ये प्लेयर ने भाइयों बहुत तंग किया, मतलब इसकी सिलेक्शन थी 7%, ये इसका जिसका नाम आदिल है, तो आदिल की सिलेक्शन 7% थी। मेरी टीम में नहीं था ये 12 नवंबर को, लेकिन 2 विकेट स्पॉक कर गया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ओपोनेंट्स की टीम में भी ये प्लेयर नहीं था। लेकिन आज आप मत छोड़ो इस प्लेयर को, ये मेन मेन प्लेयर्स और मेन मेन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड जीएल में मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक एस सुरेश कुमार जो ऑलराउंडर सेक्शन में है, एक बॉलिंग में ट्राई करना AJNS, पक्का ट्राई करना मेरे कहने पे, क्योंकि अगर आप जीएल खेलते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना। तो ये नहीं मेरी टीम भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।